नमस्ते। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देश पोलैंड पर मिसाइल हमले से पूरी दुनिया सहम गई है। अब यह साफ नहीं हो सका है कि पोलैंड पर यह मिसाइल किसने दागी थी। यूक्रेन सीमा के पास हुए जोरदार हमले में पोलैंड के 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने G7 देशों की बाली में आपात बैठक बुलाई है और कहा है कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि यह मिसाइल संभवतः रूस ने नहीं दागी थी। नाटो देश पोलैंड पर मिसाइल हमले की जांच में जुट गए हैं। नाटो ने भी रूस में निर्मित मिसाइल हमले के बाद आपात शिखर बैठक बुलाने का आह्वान किया है। उधर रूस ने पोलैंड पर मिसाइल हमले के दावे को खारिज किया है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका फरवरी 2022 में उस समय शुरू हो गई थी जब से रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला शुरू किया था। अब यूक्रेन पर रूस के लगातार मिसाइल हमलों के बीच पश्चिमी देशों के साथ उसका तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई विश्लेषकों को यह डर सता रहा है कि यह युद्ध यूरोप के अन्य हिस्सों में भड़क सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस संघर्ष में वर्दी यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खूनी संघर्ष को भड़का सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी आशंका बहुत ही कम है। इस सबसे घातक संघर्ष की वजह से हजारों की तादाद में आम नागरिकों की मौत हो जाएगी और यूरोप में लाखों की तादाद में शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। यूक्रेन की जंग में अभी तक रूस के करीब 50,000 से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने का पश्चिमी देशों ने अनुमान लगाया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे पुतिन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है ऐसी आशंका है कि वे हताशा में आकर यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे यूक्रेन के सहयोगियों का हालात को लेकर विचार बदल सकता है। यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है, फिर भी ब्रिटेन अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ जंग में शामिल हुए बिना उसकी जमकर मदद कर रहे हैं। हालांकि नाटो सहयोगी देश पोलैंड में रूसी मिसाइल हमले की पुष्टि होती है तो इससे बड़ी कार्रवाई की आशंका बढ़ जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने लगातार अपने हमले को बढ़ाया तो इससे तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। इस बात की भी आशंका है कि दुनिया भर में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर नाटो की जांच में यह पुष्टि होती है कि रूस ने मिसाइल हमला किया है तो यह बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।